नमस्कार, किचन आइटिया में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है अनरसा। इस अनरसे को हम मावा से स्टफ करने वाले हैं। मावा अनरसा बिहार की एक फेमस स्वीट डिश है। अनरसा बनाने के लिए अरवा चावल लेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 2 कप चावल लिया है। अब चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। अब चावल में पानी डालकर इसे ढककर रख देंगे। चावल को रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं। अब एक बार इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी चेंज कर देंगे। अनरसा बनाने के लिए चावल को 3 दिनों के लिए भिगाया जाता है, जिससे कि चावल अच्छी तरह से फूल जाए और हर 6 से 7 घंटे में इसका पानी बदलते रहें, जिससे कि चावल में स्मेल नहीं आए। इस तरह से चावल को भीगे हुए 3 दिन हो गए हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब चावल को एक स्ट्रेनर के ऊपर पलट लेंगे। आधे घंटे के लिए इसे स्ट्रेनर में छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चावल में से सारा पानी अच्छी तरह से निकल गया है। अब इसे एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इस चावल को फैला देंगे। चावल को धूप में नहीं सुखाना है, इसे छांव में ही सुखाना है। फैन के नीचे इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाएगा। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, चावल अच्छी तरह से सूख गया है और ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इससे ज्यादा चावल को हमें ड्राई नहीं करना है। अब इसे हम पीस लेते हैं। चावल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर की जार में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। पीसे हुए चावल के आटे को एक बारीक छन्नी से छान लेंगे। चावल के आटे को छान लिया है। अब इसे कप से मेजर कर लेते हैं। चावल के आटे को मेजर करने पर यह टोटल 2.5 कप है। अब इसके हाफ क्वांटिटी में हम चीनी लेंगे। चीनी को भी पीस कर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। चावल का आटा 2.5 कप था, इसलिए चीनी हम इसकी हाफ क्वांटिटी में डालेंगे। 1.25 कप पीसी हुई चीनी लेंगे। ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच और शुगर पाउडर ऐड कर लें। लेंगे 1 चम्मच पीसी हुई इलायची, 1 चम्मच घी डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जरूरत के अनुसार इसमें 3 से 4 चम्मच दूध डालते हुए इसे कड़ा गूंथ लेंगे। हमें इसमें दूध इतना ही डालना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, क्योंकि चीनी होने के कारण जब इसे हम फर्मेंट करने रखेंगे तो ये और ज्यादा गीला हो जाएगा। चावल के आटे को बाइंड करने से ये इस तरह से बन जा रहा है। अब चावल के आटे के इस तरह से गोले बनाकर रख लेंगे। अब इन्हें हम एक कटोरी में रख देंगे और ढककर इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि चावल का आटा अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और इससे अनरसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। डो को रखे हुए लगभग 24 घंटे हो गए हैं। अब ये थोड़ा पहले से सॉफ्ट हो गया है। एक बार इसे गूंथ कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस डो में से पेड़े के साइज के लेई बनाकर रख लेते हैं। अनरसे में स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मावा या खोया लिया है और 6 बड़े चम्मच सफेद तिल लिए हैं। अनरसे बनाने के लिए एक ले लेकर इसे हाथों से फैला लेंगे। इसे दोनों हाथों से फैलाते हुए बीच वाले हिस्से को मोटा रखें और किनारे को थोड़ा पतला कर लें। थोड़ा सा मावा लेकर इसे बीचों बीच रखकर स्टफिंग कर लेंगे। चावल के आटे में हमने पहले से ही चीनी डाल रखा है, इसलिए मैं मावा में कोई चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से सील करके हल्के हाथों से प्रेस करते हुए दबा लें। अब इसे तिल के ऊपर रखकर चारों तरफ से कोट कर लें। एक बार इसे हल्के हाथों से चारों तरफ से दबा दें, जिससे कि तिल इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। एक अनरसा तैयार है। अब इसी तरह से ही हम बाकी के सारे अनरसे को बनाकर रख लेंगे। स्टफिंग करते समय ध्यान रखें कि एक बार में बहुत सारा मावा नहीं भरे। स्टफिंग ज्यादा हो जाने से तलते समय यह तेल में से बाहर निकल जाएगा। अनरसे तैयार हो जाने के बाद इन्हें कपड़े से ढककर रखें, क्योंकि चावल का आटा होने के कारण ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं। अनरसे को मैंने स्टफ कर लिया है। अब इन्हें तलने की बारी है। अनरसा तलने के लिए तेल को तेज आंच पर गर्म कर लेंगे और इसमें अनरसा तलने के लिए डाल देंगे। अब इन्हें लो टू मीडियम आंच पर तलेंगे। अनरसे को हमें पलटना नहीं है। एक गहरा चम्मच लेंगे और इससे तेल उठाकर अनरसे के ऊपर डाल देंगे। अनरसे अच्छी तरह से तल गए हैं और इनका कलर भी हल्का ब्राउन हो गया है। अब इन्हें हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। इन्हें निकालकर 1 से 2 मिनट के लिए जाली के ऊपर रख देंगे, जिससे कि इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए सारे अनरसे को तलकर तैयार कर लेंगे। मावा स्टफिंग अनरसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।